जय हिंद। आई एम प्रशांत, फैकल्टी एट संदीप सर्स दून डिफेंस एकेडमी, एंड टुडेज वीडियो इज अबाउट एन इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने आज एक प्रेस नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द अग्निवीर SSR एंट्री। इसके एप्लीकेशंस इनवाइट करे गए हैं। जो एप्लीकेशन का लिंक है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अभी मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा, ये बताऊंगा कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं टू फिल दिस फॉर्म, क्या उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एंड क्या बेनिफिट्स हैं अग्निवीर एंट्री के, अग्निवीर स्कीम के। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप एप्लीकेशन इसके सबमिट कर सकते हैं बिटवीन 13th of May एंड 27th of May। हम अपनी वेबसाइट में एक बार देखेंगे, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू इसका एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं संदीप सर्स दून डिफेंस अकेडमी, ये हमारी वेबसाइट है, कुछ इस तरीके से खुला हुआ आना चाहिए, है ना। यहाँ पे आप जाकर जो इम्पोर्टेंट आज के प्रेस रिलीजेज हैं उसमें एक होगा अबाउट इंडियन नेवी अग्निवीर SSR सेकेंड बैच 2024। जैसा हम जानते हैं कि DDA ने अभी तक 12,500 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं इन डिफरेंट विंग्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, या इंडियन आर्मी हो एंड मर्चेंट नेवी हो। सो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप हमारी वेबसाइट में जाकर, ये जो एप्लीकेशन लिंक है ये 13th of May को एक्टिवेट होगा एंड टिल 27th of May तक ये एक्टिवेट रहेगा। इस दौरान आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे जिनकी डेट ऑफ बर्थ इज बिटवीन 1st November 2003 एंड 30th April 2007, दे आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। ये दोनों डेट इंक्लूसिव हैं। आप एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिएगा। अगर आप इन दो डेट्स के बीच आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अभी हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। जिन बच्चों का 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स था एंड दे हैव ऑप्टेंड एग्रीगेट में 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं, दे आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। जिन बच्चों का रिजल्ट अवेटिंग है, अभी 12th दिया है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अपियर इन दिस एग्जामिनेशन। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अग्निवीर एग्जाम, ठीक है। 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए एंड एग्रीगेट में 50% मार्क्स होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एग्जामिनेशन फी जो इस फॉर्म के लिए होगी, दैट विल बी ₹550 प्लस 18% GST। ये आपकी एग्जामिनेशन फी होगी। आप सोच समझ कर ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल नहीं करने हैं, क्योंकि फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ मनेटरी बेनिफिट्स हैं टू ज्वाइन इंडियन अग्निवीर, है ना। एक शॉर्ट टर्म की ये सर्विस होती है, बट एक बहुत यंग एज में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है एंड बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। जैसे एक आपका जो पैकेज होता है, यू विल बी गेटिंग ₹30,000 per month। इसमें एक फंड भी आपके लिए डिवेलप करा जाता है, अग्निवीर कॉर्पस फंड। जब आप यहाँ से अपना 4 year का ड्यूरेशन कंप्लीट करते हैं तो एक अच्छा खासा कॉर्पस अराउंड 10 lakh rupees यू विल हैव, है ना। और इनमें से 25% जो अग्निवीर की एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी को ज्वाइन करते हैं, दे आर रिटेन्ड आफ्टर 4 years। तो इस तरीके से ये आपकी सैलरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हर साल 10% का इंक्रीमेंट है, 70% आपके इन हैंड आती है, 30% आपके कॉर्पस फंड में जाती है, प्लस उतना ही गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। सो यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर यू विल कंप्लीट योर टेन्योर ऑफ 4 years। एक और बेनिफिट इसमें है, आपको एक लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है एंड यू डोंट नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर दिस लाइफ इंश्योरेंस। ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर होता है फॉर अराउंड 48 lakh rupees, ठीक है। आपको कंपनसेशन, अगर इन केस कोई इस दौरान ही और शी गेट्स मार्टर, शहीद हो जाते हैं, तो जो आपके नेक्स्ट ऑफ किन होते हैं उनको ये अमाउंट मिलती है। ड्यूरिंग योर ड्यूरेशन एज एन अग्निवीर आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कॉल इट अ CSD फैसिलिटीज़, या जो सर्विस हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आप उस सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। 2 stages में एग्जामिनेशन होता है। पहला एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। दूसरे स्टेज में आपको एक फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है। हम एक बार देख लेते हैं।
पहला इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम 4 सेक्शंस, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ दैट ऑफ 10+2। जो 10+2 का स्टैंडर्ड होता है उसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं इन 4 सेक्शंस में से, ठीक है। जो कट ऑफ होता है वो बच्चों ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है उससे डिराइव करा जाता है। एंड जो भी बच्चे इस एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं उनमें हर सेक्शन की कट ऑफ को क्लियर करना मस्ट है, तभी उन्हें सेकेंड स्टेज का कॉल आएगा। नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में होती है, जो अग्निवीर का पेपर होता है। इट इज़ ऑफ 1/4 मार्क्स। अगर आप कोई गलत आंसर दे रहे हैं तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो एक अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, एक अच्छी अप्रोच की ज़रूरत होती है इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। जो बच्चे फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे सेकेंड स्टेज में आएंगे तो उनका यहाँ पे फिर एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा एंड एक इनिशियल मेडिकल होगा। इसलिए बच्चे एक बार आप अपना मेडिकल टेस्ट भी करा लीजिए कि आप नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी के लिए फिट हैं, आप इस एज क्राइटेरिया में हैं तो ये आपके लिए फॉर्म है, ठीक है। ये कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट के दौरान गुजरने पड़ेंगे। लाइक फॉर मेल कैंडिडेट्स यू विल हैव टू फिनिश 1.6 किलोमीटर ऑफ रन इन 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स द टाइम विल बी 8 मिनट्स। जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 6 मिनट और 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर्स का रन कंप्लीट करना है एंड फीमेल्स को भी इतना ही लेंथ का रन कंप्लीट करना है 8 मिनट्स में, ठीक है। देन देयर विल बी स्क्वैट्स, उठक बैठक। फॉर मेल कैंडिडेट्स इट विल बी 20, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स इट विल बी 15। पुशअप्स इट इज़ ओनली रिक्वायर्ड फॉर मेल कैंडिडेट्स, 12 पुशअप्स मेल कैंडिडेट्स को करने पड़ेंगे। एंड देन बेंट नी सीटअप्स, दिस इज़ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, वो 10 होंगे। तो आप एक बार हमारी वेबसाइट में जाकर एक अच्छे से फॉर्म फिल करने से पहले ये नोटिफिकेशन, ये सारी डिटेल्स आप पढ़िएगा। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद होता है, इसके बाद एक मेरिट लिस्ट रिलीज होती है इंडियन नेवी के द्वारा। जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो INS चिल्का ओडिशा में होगी। हर स्टेट के लिए इसकी कट ऑफ वेरी कर सकती है कि स्टेट में बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। एंड लास्ट एक फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, इसके बाद ही बच्चों को कॉल लेटर रिसीव होते हैं। सो रिमेंबर द डेट्स बिटवीन, एक्टिवेट हो जाएगा लिंक इंडियन नेवी की वेबसाइट पे, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं 13 मई को, एंड इट विल रिमेन एक्टिवेटेड टिल 27 मई। जो बच्चे 1 नवंबर 2003 एंड 30 अप्रैल 2007, ये दोनों डेट इंक्लूसिव है, इस दौरान जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो अपना 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स से कर चुके हैं, जिनका एग्रीगेट परसेंटेज 50% से ज़्यादा है, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करिए। जो आप चाहे NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए एंड आप सिलेक्शन पाइए। सो दिस इज़ फॉर टुडे। जब मोर इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.